हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं इपीकॉक मेडिसिन के बारे में शेयर करते हैं। तो इस इपीकॉक का पूरा नाम होता है इपीका कुन्ना। ये होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट ओरिजिन की मेडिसिन होती है और ये रूट से बनाई जाती है प्लांट के, इसीलिए इसको इपीकॉक रूट भी कहा जाता है। तो ये मेडिसिन मोस्टली जो है नौजिया और वोमिटिंग के केस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, यानी जिस केस में मितली हो और उल्टी हो, मितली आती हो और उल्टी हो जाती हो, ऐसे में केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। काफ़ी पेशेंट इसके जो है मिलते हैं, तो अक्सर क्लिनिक में लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी जो है मितली आती है और ओमटिंग हो जाती है, ये चीज़ नहीं जा पा रही है, यानी कॉन्स्टेंट नोजिया एंड ओमटिंग बनी रहती है जिन लोगों में, तो उन लोगों को ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद होती है। या काफ़ी और भी प्रॉब्लम होती हो लेकिन साथ में नाजिया और ओमटिंग हो रही है तो बहुत ही बेस्ट काम करती है, यानी नाजिया और ओमटिंग एंड इस मेडिसिन में ओवरऑल पाई जाती है, यानी ओवरऑल पाई जाती है हर जगह अगर पाई जा रही हो, किसी भी कंप्लेंट के साथ में अगर नाजिया और ओमटिंग हो रही है तो ऐसे केसेस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन खास करके न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम करती है, जैसे चेस्ट का रीजन है और स्टमक का रीजन है, यानी गैस्ट्रिक रीजन है, तो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे ये अच्छा काम करती है, जैसे चेस्ट है और जो है स्टमक पे इसका अच्छा काम होता है। और इसमें देखें तो जबान इसकी जो है क्लीन होती है, जैसे और भी मेडिसिन में होती है कि टंग किसी में जैसे एंटीमकोर में होती है कि व्हाइट लेयर होती है, जिसे लगता है कि एक सफ़ेद सी लेयर, सफ़ेद की लेयर चढ़ी हुई है, लेकिन इसकी जबान बिल्कुल से क्लीन होती है साधारणतया। और ये हेमरेज के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है, यानी जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही हो और ब्लीडिंग इसका जो है ब्लड जो होता है ब्राइट रेड ब्लड होता है, यानी चटक लाल होता है, जो चटक लाल होता है वो ब्राइट रेड ब्लड होता है, और प्रोफ्यूज यानी ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लड ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे केसेस में ये जो है होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। अब इसमें देखें तो मेंसेस के केस में देखें तो इसमें मेंसेस जो है बहुत जल्दी हो जाता है और काफ़ी प्रोफ्यूज हो जाता है, टू अर्ली और टू प्रोफ्यूज हो रहा है, और साथ में अगर नाजिया ओमटिंग मिल रही है और ब्लड अगर देखा जाए तो लाल होता है, बिल्कुल चमक लाल होता है, चमकदार लाल होता है, ब्राइट रेड ब्लड, और साथ में जो है प्रोफ्यूज ब्लड होता है, काफ़ी ब्लड होता है। तो ऐसे जो है मेंस्ट्रुअल के केसेस में, ऐसे लेडीज के केस में जिसमें मेंसेस डिस्टर्ब रहता हो, तो ऐसे मेंसेस में बहुत ही बेस्ट काम करती है ये मेडिसिन। साथ में जैसे जो है नौजिया ओमटिंग की शिकायत मिल रही है कि मेंसेस के दौरान डॉक्टर साहब नौजिया ओमटिंग होने लगती है और टाइम से पहले रहता है और बहुत ज़्यादा आता है और ब्लड बिल्कुल से गौर किए तो जैसे वो ब्राइट रेड ब्लड होता है, तो ऐसे मेंसेस के केस में ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसका बहुत ही अच्छा एक्शन होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, यानी कफ के केस में बहुत अच्छा रिस्पांस करती है, यानी कफ अगर जो है कंटिन्यूस कफ हो रहा है और वायलेंट कफ हो रहा है, और साथ में जो है इब्री बीप पे, यानी हर बार जब सांस ले रहा है तो खांसी आ रही है, यानी खांसी बहुत ज़्यादा हो जा रही है और लगातार खांसी आ रही है, तो ऐसे खांसी में जो है ये इपीकॉक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। अगर साथ में नाजिया और ओमटिंग भी हो रहा है जिसे पता लगा जो है खांसते खांसते उल्टी हो जा रही है, मिचली भी आती है, तो ऐसे केस में ये जो है इपीकॉक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और ऐसे केसेस में फिर ये 30 या 200 पावर में कम से कम जो है दिन में 2 बार मेडिसिन लिया जाए, अगर गोली में है तो 4-4 गोली लिया जाए, अगर लिक्विड में है तो 3-4 थोड़ा पानी डाल के लिया जाए सुबह शाम, तो जो ये खांसी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल से सही हो जाती है। और खांसी के साथ में अगर जैसे मान लो ब्लड भी आ जा रहा है, खांसने पे ब्लड आ रहा है और जो है वो ब्राइट रेड ब्लड आ जा रहा है, साथ में नाजिया हो रही है, तो इसमें जब खांसने पर ब्लड आ जाता है तो पेशेंट देख के बिल्कुल से घबरा जाता है, पेशेंट परेशान हो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी ऑक्सी लगातार आ रही है और साथ प्रत्येक ब्रीथ के साथ में, यानी जितनी बार सांस लेता है तो उतनी बार खांसी आती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है, वायलेंट हो जाता है, बहुत तेज़ी से बहुत खांसी आती है, बहुत परेशान करने वाली खांसी हो जाती है,
तो ऐसे खांसी में अगर गिरड़ा भी आ रहा है तो वहाँ पे बहुत ही बेस्ट काम करती है। और पीकॉक मेडिसिन को देखें तो फीवर के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। फीवर में देखें तो इसमें इंटरमिटेंट फीवर होता है, और इंटरमिटेंट फीवर मतलब ये है कि रुक रुक के फीवर हो रहा हो और साथ में नाजिया और वोमिटिंग का केस हो रहा हो, यानी मितली हो रही हो और उल्टी हो जा रही हो, तो ऐसे फीवर में भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों ये इपीकॉक में हमने देखा कि ओवरऑल नाजिया और वोमिटिंग का केस मिलता है, यानी किसी भी कंप्लेंट के साथ में अगर जो है नाजिया वोमिटिंग मिल रही है, यानी आल थ्रू अगर नाजिया वोमिटिंग मिल रही है किसी भी कंप्लेंट के साथ में, तो वहाँ पे ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।